फ्रेंच बीन्स यानी राजमा, इसे आप अपने घर पर ही बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसे ग्रो करने के लिए आप इस तरीके के फूड डिस्पोजल बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि इसमें आप छोटे छोटे से होल्स बना दो नीचे की साइड। मिट्टी में आपको 50% गार्डन सॉइल लेनी है और 25% कॉम्पोस्ट लेनी है और 25% कोकोपीट लेनी है। मिट्टी को अपन डिस्पोजल बॉक्सेस में भर देंगे। मेक श्योर कि मिट्टी में कांच के टुकड़े, प्लास्टिक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। मिट्टी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। सबसे ऊपर हम कोकोपीट की एक लेयर बिछा देंगे जिससे सीड जर्मिनेट अच्छे से हो सके। उसके बाद बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। उसके बाद बीज को सॉइल में एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ डाल देंगे। अब इनको 1 इंच की कोकोपीट की लेयर से कवर कर देंगे। चार से पाँच दिन बाद सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे और उसमें से छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आएंगे, आप देख सकते हैं। आपको इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इनको सेमी सेडी एरिया में रखना है जहाँ पे इन पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरे। ये 8 दिन के बाद का रिजल्ट है, इसमें से अभी ट्रू लीफ नहीं निकली है। अब हम इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे हमें इन्हें परमानेंटली लगाना है। आप इन्हें 8 से 10 इंच के ग्रो बैग में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। शिफ्टिंग के टाइम ध्यान रखें कि इनकी रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। 1 by 1 करके अब हम इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।